सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। और वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बीते दिन हुई हिंसा को लेकर जिले में आज भी जबरदस्त तनाव का माहौल देखा गया। गोलीबारी में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के शव को लेकर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच बहराइच सीतापुर हाईवे पर उग्र भीड़ ने 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कई दुकानों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता और एडीजी लव एंड ऑर्डर मौके पर पहुंच गए। इलाके में भारी पुलिस फोर्स लगाई गई है। हालात काबू करने के लिए 6 कंपनी PSC भेजी गई है। वही प्रदर्शन के दौरान बहराइच में हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि खुद एडीजी लव एंड ऑर्डर अमिताभ यश को सड़क पर उतरना पड़ा। अमिताभ यश हाथ में पिस्टल लेकर सड़क पर उतरे और स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश में जुट गए। जी हाँ, बता दें उत्तर प्रदेश के बहराइच में हालात बेकाबू हो गए हैं। हजारों की भीड़ में अस्पताल में भी अब आग लगा दी गई है। कई शोरूम दुकानों को फूंक दिया गया। भीड़ को देखकर पुलिस को पीछे हटना पड़ा। आसपास 6 जिलों से फोर्स और PSC बुलाई गई है। बता दें युवक की मौत से लोगों में आक्रोश देखा गया है। सड़क पर जहां भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस जुटी हुई है, वही स्थिति को नियंत्रण करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। बता दें बहराइच में आगजनी और बवाल तब मच गया जब एक युवक की मौत हो गई। और आपको बता दें ये विवाद, इसकी शुरुआत हुई थी अमिताभ यश के पहुंचते ही कांप उठे हैं उपद्रवी। और प्रदर्शन के दौरान बहराइच में हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि खुद एडीजी लव एंड ऑर्डर अमिताभ यश को सड़क पर उतरना पड़ा। अमिताभ यश हाथ में पिस्टल लेकर सड़क पर उतरे और स्थिति को काबू में करने की कोशिश में जुटे हुए। और उत्तर प्रदेश के बहराइच में हालात बेकाबू हो गए हैं। बता दें आगजनी की गई है और इलाके में भारी पुलिस फोर्स इसको देख करके तैनात कर दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक तरफ ये कड़े निर्देश दे दिए हैं कि जो लोग विद्रोह कर रहे हैं, प्रदर्शन पर उतर आए हैं और माहौल खराब कर रहे हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाए। जी बता दें सेक्रेटरी संजीव गुप्ता और एडीजी लव एंड ऑर्डर मौके पर पहुंच गए हैं और पूरी तरीके से जो भीड़ है उसको काबू करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक में उपचुनाव की 10 में से 9 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं, जबकि एक सीट RLD के लिए छोड़ी गई है। बीजेपी के इस फैसले से NDA में सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने नाराजगी जताते हुए ये कहा कि निषाद पार्टी को कटहरी और मंजवा सीट चाहिए। निषाद पार्टी 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ना चाहती है। संजय निषाद ने खुलकर ये बात बीजेपी के सामने रखी, लेकिन बीजेपी हाईकमान की ओर से संजय निषाद को दिए संदेश में ये बात साफ कर दी गई कि बीजेपी उन्हें मंजवा सीट तो दे देगी लेकिन अपने सिंबल पर। वही संजय निषाद इसके लिए हरगिज तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि बिना सिंबल के कार्यकर्ता मोबिलाइज नहीं होंगे और इन 2 सीटों पर हमारा हक बनता है। जी हां, 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। और ये बड़ी खबर उपचुनाव को लेकर सामने आई है। मीरपुर सीट गई है RLD के खाते में और सीट शेयरिंग को लेकर संजय निषाद वही नाराज दिखाई दिए हैं। जी बता दें उपचुनाव को लेकर जिस तरह से तैयारियां जोरों पर है, हर पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, उसी को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। बता दें आपको कि मीरपुर सीट RLD के खाते में चली गई है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में 10 सीटों में से 9 सीटों पर ही पार्टी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं।
क्या कुछ सोच करके ये फैसला लिया गया है, क्या है आगे की रणनीति? देखिए, जब अगर बात करें बीजेपी की, तो जिस तरीके से उपचुनाव उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने उन 10 सीटों में से 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ाने जा रही। वहीं आपको बता दें कि एक सीट सिर्फ आरएलडी, जो सहयोगी पार्टी है बीजेपी के, गठबंधन की पार्टी है आरएलडी, सिर्फ आरएलडी के खाते में सिर्फ एक सीट गई है। जबकि अगर हम वही अगर बात करें, बीजेपी के ही गठबंधन की पार्टी एक है निषाद पार्टी, जो निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद, वो बीजेपी में अगर देखा जाए तो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो 2 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन 2 सीटों थी मंझवा और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट, दोनों सीटों की लगातार मांग कर रहे थे संजय निषाद, और दोनों सीटों पर पूरी तरीके से तैयारी कर रहे थे उपचुनाव को लड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने उनको चौंका दिया है, बीजेपी जिस तरीके से चौंका दी संजय निषाद को, निषाद पार्टी को, जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा मामला है, जिसको लेकर खुद संजय निषाद आज सीएम योगी से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन अभी भी बात नहीं बन पाई है, क्योंकि बीजेपी संजय निषाद को या निषाद पार्टी को सिर्फ बीजेपी के सिंबल पर, कमल के सिंबल पर सिर्फ एक सीट पर उनको देना चाहती है, चुनाव लड़वाना चाहती है, लेकिन उसको लेकर संजय निषाद तैयार नहीं है। उनका कहना है कि निषाद पार्टी अपने सिंबल पर दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए निषाद पार्टी और बीजेपी के बीच में खटास पैदा हो रही है, कहीं कहीं देखा जाए तो बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से निषाद पार्टी की नाराजगी सामने आई है, क्योंकि कटहरी और मंझवा सीट निषाद पार्टी ने ये कहा था कि हमको ये सीट चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ संभावनाएं बन नहीं रही है, तो क्या कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से ये खटास के आगे चल के कुछ बड़ी बात हो सकती है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? बिल्कुल देवा, जिस तरीके से बीजेपी अगर देखा जाए अपने उम्मीदवार उतार रही है कहीं कहीं देखा जाए 9 सीटों पर, तो अगर यही रवैया रहा तो मुझे लगता है कि बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच में खटास पैदा हो जाएगी। और उसके अलावा मुझे लगता है कि जिस तरीके से निषाद पार्टी लगातार तैयारी कर रही है, कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि निषाद पार्टी फिर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभी जिस तरीके से संजय निषाद सीएम योगी से मुलाकात किए हैं, उनसे बातचीत हुई है, कहीं कहीं देखा जाए तो आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि अभी बीजेपी ने जो 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है, तो जाहिर सी बात है कि अभी उस पर नाम घोषित नहीं किए गए हैं। 20 अक्टूबर तक सारी सीटों पर नाम घोषित कर दिए जाएंगे बीजेपी की तरफ से। तो जाहिर सी बात है कि अभी वक्त है, हो सकता है कि अभी भी संजय निषाद को या निषाद पार्टी को कोई सीट मिल सकती है, लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से बातचीत हुई है उसके हिसाब से लग रहा है कि अभी भी निषाद पार्टी को सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, और 9 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और एक सीट को आरएलडी के खाते में गई है, जिसको लेकर आरएलडी भी चुनाव की तैयारी कर रही है। देखिए आरएलडी को लेकर जिस तरह से आपने बताया कि एक सीट गई इनके खाते में, क्या कोई नाराजगी या आरएलडी की तरफ से इसको लेकर कोई बयान सामने आया, वो कितना खुश है इस सीट से? देखिए आरएलडी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। आरएलडी जो एक सीट आरएलडी को मिली है, तो जाहिर सी बात है कि आरएलडी लोकसभा के चुनाव में भी आरएलडी को ज्यादा सीटें नहीं मिल पाई थी, उसी हिसाब से अभी ये विधानसभा उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होना है, तो चुनाव में सिर्फ 10 सीटें हैं, और 10 सीटें में से एक सीट अगर आरएलडी के खाते में गई है, तो जाहिर सी बात है आरएलडी उससे बिल्कुल संतुष्ट है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जो क्षेत्रीय पार्टियां और बीजेपी के साथ में, चाहे भाजपा की बात करें या फिर निषाद पार्टी की बात करें, तो भाजपा ने कोई मांग नहीं की थी किसी सीट के लिए उपचुनाव में, और जिस तरीके से निषाद पार्टी ने मांग की थी 2 सीटों पर, तो निषाद पार्टी को अभी भी कोई भी सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगर सीट मिलती भी है तो बीजेपी के कमल के निशान पर, कमल के सिंबल पर निषाद पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव लड़ना होगा। अगर इस पर निषाद पार्टी तैयार होती है तो सीट निषाद पार्टी को मिल सकती है, अन्यथा निषाद पार्टी को भी सीटें मिलने की संभावना अभी नहीं है। जी बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। मुंबई में शनिवार को एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष शिंदे सरकार पर हमलावर नजर आ रहा। वहीं इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के नेता
एसटी हसन ने बड़ा बयान दिया है। हसन ने कहा कि वो एक प्रसिद्ध सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति वाले इंसान थे। जब उनकी हत्या कर दी गई तो कोई भी आम आदमी वहां कैसे सुरक्षित रह सकता है। ये प्रशासन के पूर्ण पतन को दर्शाता है। भारत में दो व्यवस्थाएं समानांतर चल रही है, एक सरकारी व्यवस्था है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री है और दूसरी है अंडरवर्ल्ड व्यवस्था जहां सत्ता के लिए गुंडों के बीच लड़ाई है। ये चिंता का विषय है कि सरकार होते हुए भी पुलिस है और किसी देश में सेना अंडरवर्ल्ड व्यवस्था कायम है। ये प्रशासन की पूरी विफलता है जो कि सामने आई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सरकार गठन की तैयारियों में जुट गई है। इसी के साथ घाटी में 6 साल से लगा राष्ट्रपति शासन अब हटा लिया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने जीत हासिल की है। उसे 49 सीटों पर जीत मिली है जबकि बीजेपी के खाते में 29 सीट ही आई है। जम्मू कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव 10 साल पहले 2014 में हुए थे। चुनाव के बाद बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी लेकिन 2018 में बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर गई थी और महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था जो अब हटा लिया गया है। जी आप बता दें, सरकार गठन का देखिए रास्ता साफ होता हुआ। जी आप बता दें, गृह मंत्रालय ने इसको लेकर आदेश जारी किया है और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए जम्मू और कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा, इस तरह की सूचना आ रही है, क्या है अभी तक की अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल, ये अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था विधानसभा का, और विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के साथ साथ में पीडीपी और साथ में बीजेपी और उसके साथ में वहां पर आम आदमी पार्टी ने भी एक सीट पर जीत हासिल की थी, तो जाहिर सी बात है कि सभी पार्टियां वहां में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ी और चुनाव लड़ने के बाद अगर देखा जाए तो INC वहां से चुनाव जीत कर आई है। और उसके पहले आपको बता दें कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू था। अब जो है जिस तरीके से वहां पर INC चुनाव जीत कर आई है तो अब जाहिर सी बात है कि अब वहां से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद वहां से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया। अब उसके बाद वहां पे INC की सरकार बनने जा रही है। वहां पे अगर बात की जाए तो फारूक अब्दुल्ला के बेटे जो उमर अब्दुल्ला है वहां पे वो मुख्यमंत्री की रेस में वहां पे आगे है और शायद है कि उमर अब्दुल्ला को वहां पर मुख्यमंत्री सीएम पद का दावेदार बनाया जाए और उनको सीएम पद दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था अब राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है गृह मंत्रालय के आदेशानुसार। अब वहां पर सरकार बनने जा रही है और सरकार बनते ही वहां पे जो काम काज है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से सरकार के अंडर में, जो वहां पे राज्य सरकार होगी तो उसके अंडर में सारे काम काज वहां पे किए जाएंगे। देखिए 6 साल के बाद ये राष्ट्रपति शासन हटाया गया है और जम्मू कश्मीर में कह सकते हैं कि अब जो फैसले होंगे, जैसे आगामी सरकार को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, लोगों में कैसा उत्साह है, इस पर अगर हम जाने तो क्या कहेंगे? देखिए जिस तरीके से 6 साल से वहां पे राष्ट्रपति शासन चल रहा था, कहीं कहीं देखा जाए तो वहां की जनता भी राष्ट्रपति शासन में अपने आप को समझती थी। लेकिन और दूसरी चीज अगर बात करें विकास की, अगर बात करें और भी चीजों की, तो जिस तरीके से वहां पे अब पार्टी जीत कर आई है, INC जीत कर आई है, तो कहीं कहीं देखा जाए तो अब वहां पर कांग्रेस की सरकार होगी और सरकार कांग्रेस की सरकार बनकर वहां पे जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे तमाम कार्य होंगे जो विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और उसके साथ साथ में कांग्रेस का एजेंडा होगा कि जम्मू कश्मीर में विकास किया जाए। कांग्रेस का एजेंडा होगा कि जम्मू कश्मीर में जो बाहरी आतंकवाद है, इन सारे मुद्दों पर कांग्रेस सरकार जो है बिल्कुल पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम करेगी और कांग्रेस को बिल्कुल इन सब सारी चीजों को लेकर वहां जम्मू कश्मीर में बिल्कुल पूरी तरीके से वहां पर व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर
काम करना चाहिए। देखिए बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद जब सरकार गिर गई थी तो महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। अब क्या कयास लगाए जा रहे हैं महबूबा मुफ्ती को लेकर के, क्योंकि तभी से राष्ट्रपति शासन देखिए लगा हुआ था। देखिए महबूबा मुफ्ती से जब समर्थन वापस ले लिया गया था उसके बाद अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था तो काफी लंबा वक्त हो गया, 6 साल हो गया, 6 साल से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन चल रहा था। लेकिन अब जो है एक बार जम्मू कश्मीर के लोगों में, जम्मू कश्मीर की जनता में एक बार उत्साह का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस वहां पर जीत कर आई है, INC वहां पर जीत कर आई है, तो जाहिर सी बात है कि अब वहां की जनता में उत्साह का माहौल है। और इसके बाद जिस तरीके से अब वहां पे सरकार कांग्रेस के द्वारा जो बागडोर होगी वो कांग्रेस के हाथ में होगी, और जो वहां के सीएम पद के दावेदार हैं, जो वहां पे सीएम पद के दावेदार हैं, जाहिर सी बात है कि अब जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब उनके हाथ में बागडोर होगी जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की सत्ता संभालेंगे, और उसके बाद जम्मू कश्मीर की सत्ता के साथ, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ देखा जाए तो वहां पे उनको बिल्कुल उनको जो है विकास करने के साथ साथ में, और जो वहां पे मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद का, आतंकवाद के मुद्दे पर अब INC को या कांग्रेस सरकार को काम करना चाहिए, जिससे कि जम्मू कश्मीर का माहौल, जम्मू कश्मीर की जनता खुश रह सके। जी राजेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। जी आप बता दें गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया है आदेश और राष्ट्रपति शासन जो लगा हुआ था वो अब हटा लिया गया है, और अब देखना ये होगा कि आगामी सरकार के लिए क्या कुछ उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है, और सरकार गठन होने का जो रास्ता अब साफ हो गया है उसकी भी हलचल जम्मू कश्मीर में बरकरार है। और अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। छोटेलाल सरपंच जी, ये छोटेलाल बीमार क्यों नहीं पड़े? कोई माता के वरदान होंगे, कोई जादू तो ना किया होगा। छोटे लाल जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन। हाँ साबुन, हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटे लाल तो बड़ा काम कर गया। छोटे लाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें, शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, ANM या आंगनबाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए झारखंड सरकार को सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में देश के सेकेंड टॉपर राज्य का सम्मान प्रदान किया। झारखंड सरकार इस अवसर पर सभी राज्यवासियों का आभार व्यक्त करती है और आशा करती है अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए आगामी त्योहारों को मनाए। जय जोहार, जय झारखंड। छोटे लाल सरपंच जी, ये छोटे लाल बीमार क्यों नहीं पड़े? कोई माता के वरदान होंगे, कोई जादू तो ना किया होगा। ए छोटे लाल जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन। हाँ साबुन, हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटे लाल तो बड़ा काम कर गया। छोटे लाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल।
आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, ANM या आंगनवाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में अर्थ राइज होम।